नमस्कार दोस्तों, हमारी इस FTR सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सिंह और आप आने वाले 5 दिनों तक मेरे साथ छत्तीसगढ़ में स्थानीय प्रशासन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ विशिष्ट अधिनियमों से संबंधित होंगे। वे विशिष्ट अधिनियम इस प्रकार है। हम प्रश्नों पर बात करना शुरू करें इसके पहले हमें कुछ सामान्य जानकारी के बारे में जान लेना चाहिए। ये सामान्य जानकारियाँ हमें प्रश्नों को हल करने में काफ़ी मददगार होंगी। तो सामान्य जानकारी के रूप में जब आप देखें तो सबसे पहला शब्द जो हमें बार बार इस एक्ट में देखने को मिलेगा वो होगा सांसद। तो सांसद दो तरह के होते हैं, एक लोकसभा सांसद और दूसरे राज्यसभा सांसद। लोकसभा के जो सांसद होते हैं वे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और भारत के प्रधानमंत्री को बनाने में इनकी महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक, अगर हम कहें कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कितनी सीटें हैं तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीट हैं और रायपुर, बस्तर, इस तरीके से आप 11 सीटों के नाम बता सकते हैं। राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वे अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं, राज्यों के विधायकों के माध्यम से इन सांसदों को चुना जाता है और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि राज्यसभा की सीट के नाम बताइए तो ये आपके लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा की सीट का कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता, ये क्या कर दी जाती हैं, राज्यों को प्रदान की जाती हैं, इनमें कोई भी क्षेत्र निर्धारित नहीं होता। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि लोकसभा की जो सीट होती हैं, लोकसभा के जो सांसद होते हैं उनका क्षेत्र निश्चित होता है, उनका कोई एरिया होता है, लेकिन राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता। इसी प्रकार जब राज्य में देखते हैं तो राज्य में होती है विधानसभा और विधानसभा में के माध्यम से जो विधायक चुने जाते हैं वे ही मुख्यमंत्री को बनाते हैं। तो जिन विधायकों की भूमिका या जिन लोगों की भूमिका मुख्यमंत्री को बनाने में होती है वे कहलाते हैं आपके विधायक। ठीक, तो विधायक शब्द आए तो ये संबंधित है राज्य से। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं, अर्थात 90 विधायक यहाँ प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो लोकसभा के सांसद प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो रहे हैं, इनका एक निश्चित एरिया है। राज्यसभा के सांसद राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और विधायक प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये भी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस प्रकार से हम इन्हें देखते हैं। अब अगर आप ग्रामीण प्रशासन और शहरी प्रशासन को देखें तो सबसे पहले हम नगरी प्रशासन को देखते हैं। नगरी प्रशासन में आपको 3 तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा नगर निगम। नगर निगम बड़े नगरों में जो है नगर निगम आपको देखने को मिलेगा। नगर निगम में आप कुछ महत्वपूर्ण पदों को अगर जानें तो आपको मिलेंगे यहाँ पर महापौर, सभापति और पार्षद। महापौर, सभापति और पार्षद आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, नगर निगम में। यही चीज़ अगर हम नगर पालिका में देखें तो हम वहाँ पाएंगे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद। और नगर पंचायत में यदि हम देखें तो हमें वहाँ देखने को मिलेंगे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद। तो अंतर अगर आप देखें नगर पालिका और नगर पंचायत में तो समान रूप से देखने को मिल रहे हैं आपको, लेकिन निगम में जब देखते हैं हम, नगर निगम में जब हम देखते हैं तो वहाँ कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो आप याद रखेंगे कि जो हम मेयर या महापौर कहेंगे वे हम नगर निगम में देखेंगे और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध में हम चर्चा करेंगे नगर पालिका और नगर पंचायत में। इसी प्रकार से आप जब ग्रामीण प्रशासन देखेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेंगे जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। तो जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य। ठीक, और ग्राम पंचायत के अंतर्गत सरपंच, उप सरपंच और पंच। तो ये क्या है, पद होते हैं जो कि इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत होते हैं। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आपको ग्राम सभा नाम की भी एक संरचना देखने को मिलेगी। तो ग्राम सभा जो है उस ग्राम के, उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी मतदाताओं से मिलकर बनती है। ठीक है, अब नगरीय प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन में हम कुछ और अंतर देखते हैं। वह अंतर हमें किस प्रकार देखने को मिलता है, अगर हम कहें कि ये हमारा नगर निगम है, ये हमारा नगर निगम है, ये हमारा नगर पालिका और ये नगर पंचायत, तो ये तीनों ही संरचनाएं एक दूसरे से अलग होती हैं। अर्थात जो व्यक्ति यहाँ मतदाता है वह व्यक्ति यहाँ का मतदाता नहीं हो सकता और वह व्यक्ति यहाँ का भी मतदाता नहीं हो सकता। मतलब एक व्यक्ति जो नगर निगम का मतदाता है वह नगर पालिका और नगर पंचायत का मतदाता नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन यही चीज़ यदि आप ग्रामीण प्रशासन के अंतर्गत देखें तो आपको देखने को मिलेगा, ये मान लीजिए ग्राम पंचायत है। ठीक, ये क्या है आपकी ग्राम पंचायत। तो जो ग्राम पंचायत होती है वही
उसके कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनाया जाता है जनपद पंचायत, और इसी प्रकार से कुछ जनपद पंचायत को मिलाकर बनाया जाता है जिला पंचायत। एक व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का मतदाता है वह जनपद पंचायत और जिला पंचायत दोनों का ही मतदाता हो सकता है, परंतु शहरी प्रशासन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि जो व्यक्ति नगर निगम में मतदाता के रूप में है वो नगर पालिका और नगर पंचायत में नहीं हो सकता, जो नगर पंचायत का है वो नगर पालिका और नगर निगम में नहीं हो सकता। तो इस तरीके की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब हम प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम प्रश्नों को हल करने के संबंध में अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आप पहले सभी स्टेटमेंट को एक बार देखेंगे, इसके बाद जो भी कथन सही हैं उनसे कूट का मिलान करेंगे और उसके बाद अपना उत्तर देंगे। इसके बाद हम अपने क्या करेंगे, डिस्कशन को प्रारंभ करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 है। जो 1956 का हमारा एक्ट है, छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1956, ये संबंधित हमारा नगर निगम से। नगर निगम के संबंध में जो भी कार्य पद्धति और नियम दिए गए हैं वे दिए गए हैं 1956 के एक्ट में, ठीक। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 में कुल 360 धाराएं दी गई हैं। तो जो हमारा एक्ट है 1961 का, ठीक, यह संबंधित है नगर पालिका और नगर पंचायत से, और इसके संबंध में, इन दोनों के संबंध में जो नियम बनाए गए हैं वो 360 धाराओं के अंतर्गत बनाए गए हैं। अर्थात आप जब देखेंगे कि ये स्टेटमेंट नंबर 2 भी हमारा सही है। अगर आप, जैसे एक प्रश्न आ रहा था कि जो वर्तमान में संशोधन किए गए हैं वो 1956 के एक्ट में किए गए हैं कि 1961 के एक्ट में किए गए हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए इन दोनों ही एक्ट में क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया है। जैसे हमने देखा था कि जो नगर निगम होता है वहाँ पर कौन बनता है, वहाँ मेयर बनते हैं, वहाँ महापौर चुने जाते हैं। तो पहले संशोधन से पूर्व जो मेयर का चुनाव है वो क्या होता था, प्रत्यक्ष रूप से होता था, जनता उन्हें प्रत्यक्ष रूप से चुनती थी। इसी प्रकार से नगर पालिका और नगर पंचायत में जो अध्यक्ष का पद होता था वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था, परंतु अब जो संशोधन किए गए हैं उसके उपरांत पार्षदों को ये अधिकार दिया गया है कि पार्षद अपने में से क्या चुनेंगे, नगर निगम में मेयर को चुनेंगे और नगर पालिका और नगर पंचायत में अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेंगे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या हो गई, अब अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से आ गई है। तो इसलिए अगर आप संशोधन कहें कि कौन से एक्ट में संशोधन हुआ है, तो आप देखेंगे कि 1956 के एक्ट में भी संशोधन हुआ है और 1961 के एक्ट में भी संशोधन हुआ है। इस तरीके से स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 हमारे दोनों ही सही हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 में नगर निगम के संबंध में नियम दिए गए हैं। जी नहीं, नगर निगम के संबंध में जो नियम दिए गए हैं वो दिए गए हैं 1956 के एक्ट में, ना कि 1961 के एक्ट में। स्टेटमेंट नंबर हमारा 4 है, नगर पालिका का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होता है। देखिए, भारत में लगभग सभी संस्थाओं के, बैंकों को छोड़कर, बैंकों का निश्चित रूप से 1 जुलाई को वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, नहीं तो लगभग सभी संस्थाओं के वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होते हैं। तो छत्तीसगढ़ जो नगर पालिका है हमारी, उनका भी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 4 भी हमारा गलत है। स्टेट नंबर 5 है हमारा, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम की अधिसूचना 30 जून 2001 को जारी की गई थी। तो जी, 30 जून 2001 को हमने क्या किया था, अधिसूचना जारी किया था। और इस अधिसूचना को हमने कैसे जारी किया था, राज्य विभाजन के समय क्या आया था, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000, उसमें हमें इन नियमों को बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी, और उनके माध्यम से हमने 30 जून 2001 को एक नियम पारित किया जिसमें हमने कहा कि छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन किस प्रकार होगा। और जो नियम हमने बनाए उसमें हमने कहा कि यह नियम 1 नवंबर 2000 से हम पर क्या होगा, लागू माना जाएगा। तो ये नियम जो हम पर लागू हैं वह 1 नवंबर 2000 से लागू हैं, बट 30 जून 2001 को क्या हुई थी, इसकी अधिसूचना जारी हुई थी, इसलिए यह स्टेटमेंट भी सही है। शहरी स्थानीय प्रशासन को 18 कार्य सौंपे गए हैं। तो अगर आप भारत की संवैधानिक व्यवस्था के तहत देखें तो स्थानीय प्रशासन जो शहरी व्यवस्था है उसमें 18 कार्य सौंपे गए हैं और ग्रामीण प्रशासन को 29 कार्य सौंपे गए हैं। तो हमने यहाँ कहा है कि शहरी स्थानीय प्रशासन को कितने कार्य सौंपे गए हैं, 18 कार्य। तो जी, 18 कार्य सौंपे गए हैं, इसलिए यह स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो अगर आप इसको कूट से मिलान करें तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 और 4 क्या है, गलत हैं। तो जिन भी ऑप्शंस में 3 और 4 दिख रहे हैं आपको, वो स्टेटमेंट क्या हो गए, आपके गलत हो गए। तो ए
सी और डी गलत हैं। इसका मतलब हुआ कि बी 1, 2, 5 बी ऑप्शन हमारा क्या है सही है। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए प्रश्न को यहाँ ध्यान दीजिएगा, किस प्रश्न में सत्य कथन पूछा जा रहा है और किस प्रश्न में असत्य कथन पूछा जा रहा है। सत्य और असत्य कथन को एक बार आप क्या कर लेंगे, वहाँ पर टिक लगा लेंगे कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद आप स्टेटमेंट पढ़िए और कूट से उसका मिलान कीजिए। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं हम। पहला स्टेटमेंट है, लघुतर नगरीय क्षेत्रों में नगर पंचायत का गठन किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए नगर पालिका का गठन किया जाता है। बेहतर नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर निगम का गठन किया जा सकता है। तो देखिए नगरीय प्रशासन के अंतर्गत हम अगर देखें तो किसी क्षेत्र में किन क्षेत्रों में किस तरीके की व्यवस्था होगी, इसके संबंध में जो निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है वो दिया गया है राज्यपाल को। किसे दिया गया है? राज्यपाल। अब कुछ सामान्य नियम जो देखे गए हैं कि जहाँ भी इस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, तो पहला नियम ये है कि उन क्षेत्रों में लगभग 400 वर्ग किलोमीटर का क्या होना चाहिए, जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। ठीक, वहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या जो है, अधिक जनसंख्या 75% की जनसंख्या गैर किसी कार्यों में संलग्न हो, मतलब कि या तो औद्योगिक रूप से कोई कार्य कर रही हो या फिर सेवा सेक्टर से संबंधित हो। कृषि कार्य उस क्षेत्रों पर बहुत ही कम होता है। ठीक, और कम से कम थर्ड स्टेटमेंट बोलती है कि 5000 से अधिक की जनसंख्या हो उन क्षेत्रों में। तो इन क्षेत्रों में क्या हुआ जाता है, नगरीय प्रशासन का गठन किया जाता है। परंतु ये नियम किसी एक्ट में नियम के रूप में नहीं है, ये सामान्य प्रणाली के तहत है। राज्यपाल अगर चाहे तो ऐसे किसी भी क्षेत्र को क्या कर सकता है, नगरीय सिस्टम में बदल सकता है। राज्यपाल चाहे तो किसी भी क्षेत्र को नगरीय व्यवस्था के अंतर्गत शामिल कर सकता है, वह नगर पालिका भी बना सकता है, नगर पंचायत भी बना सकता है और नगर निगम भी बना सकता है। तो यह निर्भर करता है राज्यपाल के ऊपर। ये नियम जो है नियम के रूप नहीं है, ये सामान्य प्रणाली के तहत देखने को मिलते हैं, वे नियम हैं ये। अब फोर्थ स्टेटमेंट अगर देखें, कुछ क्षेत्रों को नगरीय पालिका क्षेत्र में शामिल करने या परिजित करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। तो जी, राज्यपाल के ही पास किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करने और उसे हटाने की शक्ति है। फिफ्थ स्टेटमेंट है, राज्यपाल के निर्णय से भिन्न राय रखने वाला व्यक्ति अपनी आपत्ति कलेक्टर के समक्ष रखेगा। तो हाँ, राज्यपाल अगर किसी क्षेत्र को बना रहे हैं नगर पालिका और उस क्षेत्र में निवास करने वाले किसी मतदाता को उससे समस्या है, तो निश्चित रूप से अपनी आपत्ति वह कलेक्टर के समक्ष दर्ज करा सकता है। तो इसमें फिर गलत कौन सी स्टेटमेंट होगी? तो इस स्टेटमेंट को जब गलत हम साबित करना है तो इसे जो सामान्य प्रक्रिया है उसके माध्यम से देखा जाता है। सामान्य प्रक्रिया ये कहती है कि कोई ऐसा क्षेत्र जो गांव से शहर की ओर बढ़ रहा है, मतलब एक गांव था जहां पर थोड़ी बाजार थी, अब वो क्या हो रहा है, बाजार बढ़ते बढ़ते एक बड़ी बाजार बन चुकी है, अब वह छोटा गांव जो है बड़े छोटे से नगर के रूप में विकसित हो चुका है। तो ऐसा कोई क्षेत्र जो ग्रामीण व्यवस्था से शहरी व्यवस्था की ओर बदल रहा है, उन्हें कहा जाता है संक्रमणशील क्षेत्र। उन्हें कहा जाता है संक्रमणशील क्षेत्र। और संक्रमणशील क्षेत्रों में नगर पंचायत का गठन किया जाता है, मतलब जो ग्राम गांव से शहर में बदल रहे हैं वहां नगर पंचायत, जो नगर के रूप में विकसित हो चुके हैं छोटे नगर होते हैं वहां नगर पालिका, और बड़े नगरों में नगर निगम का गठन किया जा सकता है। इस प्रकार आप देखें तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 और 2, लघुतर नगरीय क्षेत्रों में नगर पंचायत गठन किया जाता है, नहीं, संक्रमणशील क्षेत्रों में नगर पंचायत का गठन किया जाता है और लघुतर जो नगर होते हैं वहां पर नगर पालिका का गठन किया जाता है। यह सामान्य रूप से समझ के जो हमने देखा है उसके हिसाब से हम देखें अगर, तो हमारा स्टेटमेंट नंबर जो हमारा असत्य कथन है वो है C 1 और 2। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, नगर पालिका अध्यक्ष तथा पार्षद अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। ये प्रश्न है त्यागपत्र के संबंध में। किसके त्यागपत्र के संबंध में? ये देखिए, यह नगर पालिका एक्ट के तहत 1961 नगर पालिका में त्यागपत्र कौन दे रहा है? अध्यक्ष और पार्षद। तो देखिए, जो पार्षद हैं, पार्षद के संबंध में जो नियम कहता है वह यह कहता है कि ये अपना त्यागपत्र चाहे तो अपने अध्यक्ष को दे सकते हैं और चाहे तो कलेक्टर को भी दे सकते हैं। इन दोनों को ये अपना क्या दे सकते हैं? त्यागपत्र दे सकते हैं। जब भी पार्षद अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे तो अध्यक्ष इस त्यागपत्र को किसको अवगत कराएगा? कलेक्टर से उसे अवगत कराएगा कि किसी निश्चित पार्षद ने क्या दिया है, कलेक्टर को मुझे अपना त्यागपत्र दिया हुआ है। ठीक, और ये चाहे अगर तो डायरेक्ट किसको दे सकते हैं? कलेक्टर को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। कलेक्टर की भूमिका यह होगी कि पार्षद जिसने त्यागपत्र दिया है, क्या उसी व्यक्ति ने दिया है जो पार्षद है या किसी दूसरे व्यक्ति ने त्यागपत्र दिया है, तो इसे जांच कराने का भी अधिकार किसके पास होगा? कार्य कलेक्टर के पास होगा। तो
पार्षद किसको देंगे अपना त्यागपत्र? कलेक्टर को देंगे। पर अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? अध्यक्ष अपना त्यागपत्र नगर पालिका के केस में देता है सीएमओ को। किसको देता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी को। तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र मुख्य नगर पालिका अधिकारी को देते हैं और पार्षद जो है कलेक्टर को देते हैं। किसमें? 1961 के एक्ट में। 1961 के एक्ट में किसकी बात की गई है? नगर पालिका और नगर पंचायत के बारे में। मतलब कि नगर पालिका और नगर पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वह सीएमओ को अपना त्यागपत्र देगा और जो पार्षद होंगे वो किसको देंगे? कलेक्टर को देंगे। यही चीज अगर आप नगर निगम में देखें 1956 के एक्ट के आधार पर, 1956 के आधार पर, तो जो पार्षद होते हैं पार्षद अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? संभागीय आयुक्त को देंगे। कलेक्टर की जगह पे वहां कौन आ जाएगा? वहां आ जाएगा संभागीय आयुक्त। पार्षद अपना किसे त्यागपत्र देंगे? संभागीय आयुक्त को। और अध्यक्ष जो होगा नगर निगम का, या कहें हम कि मेयर जो होगा, महापौर होगा, किसको देगा? राज्य सरकार को अपना त्यागपत्र देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सिस्टम है वो थोड़ा चेंज हो जाता है नगर निगम के केस में। नगर और अगर आप देखें नगर पालिका के एक्ट में, तो पार्षद जो है अपना अध्यक्ष या कलेक्टर दोनों में से किसी को भी दे सकता है, लेकिन अध्यक्ष को जब दिया जाएगा तो कलेक्टर को अध्यक्ष उस त्यागपत्र को देगा ही देगा, और अध्यक्ष जो है अपने सीएमओ को, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को, क्या देता है? त्यागपत्र देता है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर होगा ए। अब हम प्रश्न चार देखते हैं। नगर पालिका परिषद की संरचना के विषय में क्या सही नहीं है? पहला तो आप इसे पे ध्यान देंगे कि क्या सही नहीं है पूछा है हमने, है ना। तो जो स्टेटमेंट गलत होंगी हम उनको पहले देखेंगे कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत हैं, उसके बाद उन स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट को हम अपने कूट से मिलान करेंगे, और जो स्टेटमेंट गलत होंगी उन्हीं पे क्या करेंगे हम टिक लगाते हैं। तो हम एक एक स्टेटमेंट को देखते चलते हैं। तो हमारी पहला स्टेटमेंट है नगर पालिका क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अध्यक्ष। देखिए नगर पालिका क्षेत्र में जो अध्यक्ष का चुनाव होता था वो संशोधन से पूर्व क्या होता था? प्रत्यक्ष रूप से होता था। प्रत्यक्ष रूप से मतलब जनता जो है उसे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती थी। हम यहाँ बात किसी कर रहे हैं? नगर पालिका की संरचना की, मतलब नगर पालिका की संरचना में सदस्य उसके कौन कौन लोग होंगे। तो सबसे पहला तो हमारा क्या आता है? अध्यक्ष आता है। अध्यक्ष जो है संशोधन से पूर्व कैसे चुना जाता था? प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था, परंतु संशोधन करके इसे क्या कर दिया गया? अप्रत्यक्ष कर दिया गया। जो चुने हुए पार्षद होंगे वे अपने में से किसी एक को क्या चुनेंगे? अध्यक्ष चुनेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो नगर पालिका क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अध्यक्ष है वह अगर पहले किसी एग्जाम में आया हुआ है तो निश्चित रूप से यह स्टेटमेंट सही था, परंतु अगर आप वर्तमान में देखें जब ये प्रश्न आए तो ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या हो जाती है? गलत हो जाती है, क्योंकि जो अब अध्यक्ष है वह चुना जाएगा कैसे? वह चुना जाएगा अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से। आप यहाँ पर और देखेंगे कि जो पहले अध्यक्ष चुना जाता था उसके लिए हमने उम्र सीमा रखी थी 25 साल, और पार्षद बनने के लिए हमने उम्र सीमा रखी थी 21 साल। अब क्योंकि देखिए अध्यक्ष 25 साल की उम्र में बन रहा है और पार्षद 21 साल की उम्र में बन रहा है, ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि सभी 21 से लेकर 24 साल के लोग ही पार्षद चुन लिए जाएं, और अब होना क्या है? पार्षद का अपने में से ही अध्यक्ष का चुना जाना है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में 25 साल का तो कोई है ही नहीं, तो कोई अध्यक्ष बन नहीं पाएगा, इसलिए इस नियम को क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। इस नियम को क्या कर दिया गया? बदल दिया गया, और कहा गया कि अध्यक्ष कौन बन सकता है? जो कोई पार्षद बन सकता है, अर्थात जिसकी उम्र 21 साल हो चुकी है वो सभी क्या बन सकते हैं? अध्यक्ष बन सकते हैं, वे सभी अध्यक्ष बन सकते हैं। मतलब ये जो 25 साल था अध्यक्ष बनने के लिए उम्र सीमा, उसको भी हटा दिया गया। मतलब प्रत्यक्ष को क्या कर दिया गया? अप्रत्यक्ष किया गया, और उम्र सीमा को जो कि 25 वर्ष थी अध्यक्ष बनने के लिए उसे 21 वर्ष कर दिया गया, ठीक। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या हो जाती है? स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाती है। दूसरा, वार्डों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षद। जी प्रत्येक एक नगर पालिका अगर क्षेत्र है, इस पालिका क्षेत्र में कई वार्ड होंगे, ठीक, कई वार्डों, और इन वार्डों से कौन चुना जाएगा? इन वार्डों से चुने जाएंगे पार्षद। इन वार्डों से चुना जाएगा पार्षद। तो ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के रूप द्वारा निर्वाचित होंगे, तो ये क्या होंगे? स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा नामांकित 5 सदस्य। देखिए इस प्रश्न में, इस स्टेटमेंट में कुछ जो है भ्रम है, और ये भ्रम कुछ इस प्रकार से, ये पीएससी के एक क्वेश्चन में भी इसका आंसर इसी प्रकार लिया गया, इस कारण ये जो है ज्यादा रहा। सामान्य रूप से जो देखा जा रहा है वह यह देखा जा रहा है कि नगर पालिका के केस में, नगर पंचायत के केस में 2 व्यक्ति को, एल्डरमैन को, या 2 लोगों को राज्य सरकार क्या करती है? नामांकन करती है,
और नगर पालिका के केस में 4 लोगों को और नगर निगम के केस में 6 लोगों को, मतलब कि 2, 4 और 6 इस तरीके से लोग क्या होते हैं राज्य सरकार द्वारा नामांकित किए जाते हैं। पर जो छत्तीसगढ़ का अधिनियम है 1961 का अधिनियम है वहाँ पर यह संख्या दी गई है 3 और 5। तो अगर आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा 2 और 4 और 6, नगर निगम के केस में 6 व्यक्ति, नगर पालिका के केस में 4 और नगर पंचायत के केस में आपको देखने को मिलेंगे 2 व्यक्ति नियुक्त होते हैं, पर एक्ट में आपको देखने को मिलेगा 3 और 5। तो हम अभी यहाँ पर इस स्टेटमेंट को सही लेके चल रहे हैं कि राज्य सरकार द्वारा नामांकित 5, नगर पालिका परिषद के केस में हम एक्ट में जो लिखा हुआ है 5 व्यक्ति उसे सही मान रहे हैं। तो राज्य सरकार द्वारा नामांकित 5 लोग जो है, 5 सदस्य जो हैं वे नामांकित किए जाते हैं इसकी संरचना में, इसकी संरचना में नगर पालिका की संरचना में। अब हमारा चौथा स्टेटमेंट है जिला पंचायत द्वारा नामांकित 2 सदस्य। तो जी नहीं, राज्य में जिला पंचायत के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सदस्य संख्या नामांकित नहीं की जाती है नगर पालिका की संरचना के अंतर्गत। फिफ्थ स्टेटमेंट है हमारा नगर पालिका क्षेत्र से निर्वाचित लोकसभा सदस्य। अब देखिए, जो हमने प्रारंभ में बात की थी लोकसभा सदस्य, लोकसभा का सदस्य मतलब लोकसभा का सांसद, ठीक। नगर पालिका क्षेत्र से निर्वाचित मतलब ये नगर पालिका है तो ये नगर पालिका क्षेत्र किसी न किसी रूप में पूर्णतः या अंशतः, पूर्णतः कहें तो ऐसे इस प्रकार से लोकसभा सीट बड़ी सीट है उसके अंतर्गत यह पूरी तरीके से नगर पालिका आती होगी, या हो सकता है कि नगर पालिका का आधा क्षेत्र ही क्या हो, आधा क्षेत्र ही इस नगर पालिका के अंतर्गत आता हो। तो अंशतः या पूर्णतः ऐसी कोई भी नगर पालिका है और जो भी उस क्षेत्र से क्या होगा सांसद होगा वह क्या होगा इसी संरचना का सदस्य होगा। तो जी नगर पालिका क्षेत्र में निर्वाचित जो लोकसभा सदस्य होगा वह क्या होगा, वह निश्चित रूप से इसी संरचना का अंग होगा। नगर पालिका क्षेत्र से निर्वाचित राज्य विधानसभा सदस्य, राज्य विधानसभा के केस में भी यही है कि राज्य विधानसभा का जो सीट है वह हो सकता है पूर्णतः इससे संबंधित हो यह नगर पालिका या अंशतः, और ऐसी दोनों ही कंडीशन में जो विधायक होगा वह क्या होगा, वह नगर पालिका का क्या हो जाएगा, सदस्य हो जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र के भीतर मतदाता के रूप में पंजीकृत राज्यसभा सदस्य, देखिए लोकसभा और राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका क्षेत्र निश्चित होता है, बट जो राज्यसभा का सांसद है उसका क्षेत्र निश्चित नहीं होता, तो इसलिए हम इसको क्षेत्र के आधार पर लागू नहीं कर सकते। इसलिए लिखा गया है कि नगर पालिका क्षेत्र के भीतर मतदाता के रूप में पंजीकृत, अगर इस नगर पालिका के अंतर्गत मतदाता के रूप में, मतदाता सूची में इस नगर पालिका के किसी कोई राज्यसभा का जो सांसद है उसका नाम है तो वह क्या होगा, वह इस नगर पालिका का सदस्य हो जाएगा। अब देखिए, जो सांसद और विधायक इस नगर पालिका का सदस्य बन रहे हैं क्या वे सांसद और विधायक के रूप में ही वहाँ पर रहेंगे, तो जी नहीं, ये जो सदस्य होते हैं वे किस रूप में रहते हैं, वे पार्षद के रूप में, वे अपने लोगों को भी नियुक्त कर सकते हैं या स्वयं भी आ सकते हैं बैठकों में, बट जब भी वे स्वयं आए या अपने लोगों को नियुक्त करें उनकी जो भूमिका होगी कैसी होगी, एक पार्षद के रूप में ही होगी। ये अप्रत्यक्ष प्रणाली से आ रहे हैं और ये कैसे आएंगे, एक पार्षद के रूप में ही आएंगे, ठीक। तो ये स्टेटमेंट नंबर भी 7 भी आपका सही है। नगर पालिका क्षेत्र में प्रत्यक्षतः निर्वाचित उपाध्यक्ष, तो अब वर्तमान में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही क्या चुने जा रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जा रहे हैं। पहले उपाध्यक्ष निश्चित रूप से अप्रत्यक्ष चुना जाता था और अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था, परंतु अब उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों ही अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। अब हम अगर देखें तो हमारा जो कूट है 1, 4 और 8, हमारा 1, 4 और 8 जो स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारी गलत है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा, हमने प्रश्न में पूछा था क्या सही नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, 1, 4 और 8 जो है सही नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नगर पालिका परिषद की बैठक के विषय में सही क्या है, यहाँ हमने पूछा है सही क्या है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़िए फिर कूट से मिलान कीजिए, जो भी गलत स्टेटमेंट है जिस भी ऑप्शन में आपको गलत स्टेटमेंट दिख रही है उन सभी ऑप्शन को आप क्या कर दीजिए, काट दीजिए, वे उत्तर नहीं हो सकती। उसके बाद बने हुए जो बचे हुए हमारे ऑप्शन होंगे उन पर हम विचार करेंगे। तब देखते हैं एक एक स्टेटमेंट को। आम जनता बैठक में उपस्थित हो सकती है, तो क्या नगर पालिका के किसी भी बैठक में आम जनता प्रवेश कर सकती है, तो हाँ आम जनता जो है, जो आम लोग हैं, आम लोग भी क्या कर सकते हैं, बैठक में अपनी भागीदारी ले सकते हैं। ये क्या हो रही है, पार्षद और अध्यक्ष जिस बैठक में हैं उस बैठक हो रही है वहाँ कुछ निर्णय लिए जा रहे हैं, और अगर आम लोग चाहें तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अनुमति लेकर उस बैठक का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है।
अध्यक्ष परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो आप देखेंगे कि जो नगर पालिका और नगर पंचायत है, देखिए नगर पालिका में और नगर पंचायत में, ठीक, मतलब कि 1961 के एक्ट के तहत जो भी हैं संस्थाएं हैं उनमें जो अध्यक्ष चुना जाता है, अध्यक्ष वही क्या करता है, बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को नगर निगम में देखें 1956 एक्ट के तहत, तो बैठक की अध्यक्षता करने के लिए एक अलग ही व्यक्ति चुना जाता है, वो कहता है सभापति आपका, ठीक, और मेयर अलग से चुना जाता है। तो जो नगर पालिका और नगर पंचायत में आप देखेंगे तो जो व्यक्ति अध्यक्ष होगा वही क्या करेगा, बैठक की अध्यक्षता करेगा। लेकिन नगर निगम में आप देखें तो बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए सभापति चुना जाता है और राजनीतिक प्रमुख के रूप में जिसे चुना जाता है वो कौन होता है, मेयर या महापौर होता है। लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत में राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, अध्यक्ष होता है और वही बैठकों की अध्यक्षता करता है, ठीक। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी हमारा सही है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो जी जब अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष का कार्य ही यही होता है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जो है उसके सभी कार्यों को पूर्ण करे। इसलिए क्या है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष क्या करेगा, बैठक को अध्यक्षता करेगा। यह स्टेटमेंट 3 भी हमारा सही है। हमारा स्टेट नंबर 4 है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में नामांकित व्यक्ति परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो देखिए यहाँ पर कोई लिस्ट नहीं होती, नगर पालिका के केस में कोई भी लिस्ट ऐसी नहीं है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हों तो कौन व्यक्ति क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, बैठक बैठी और परिषद अपने में से किसी एक व्यक्ति को उस बैठक के लिए क्या चुनती है, अपना अध्यक्ष चुनती है, नगर पालिका और नगर पंचायत के केस में। यही चीज़ अगर नगर निगम के केस में देखें तो वहाँ जो सभापति है एक वह होगा जो अध्यक्षता करेगा, उसके बाद दो लोगों की एक लिस्ट बनाई जाती है कि अगर सभापति उपस्थित नहीं है तो वह कौन व्यक्ति दो लोग होंगे जो अध्यक्षता कर सकते हैं। तो इस प्रकार के लिस्ट आपको नगर निगम में जरूर देखने को मिलेगी, नगर पालिका और नगर पंचायत में आपको देखने को नहीं मिलती। वहाँ उपस्थित पार्षद अपने में से वहीं पर क्या करते हैं, एक अध्यक्ष को चुनते हैं और उसके बाद वही व्यक्ति क्या करता है, अध्यक्षता करता है। तो यह स्टेटमेंट 4 क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। 5th है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में निर्वाचित और उपस्थित पार्षद बैठक की अध्यक्षता करने के लिए पार्षद को चुनते हैं। तो जी ये स्टेटमेंट नंबर सही है। 6th स्टेटमेंट हमारा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में परिषद की बैठक स्थगित कर दी जाती है। तो हमने कहा कि अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो पार्षद अपने में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुनते हैं और वह अध्यक्षता करता है, यानी बैठक हो रही है, तो यह स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। 7th नंबर के स्टेटमेंट है हमारा, एक संकल्प पारित कर आम जनता का बैठक में प्रवेश वर्जित किया जा सकता है। तो हमने कहा था कि आम लोग बैठक में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन पार्षदों को लगता है कि जो बात हो रही है उसमें आम जनता का प्रवेश नहीं होना चाहिए, तो इस प्रकार से मना तो नहीं कर सकते, परंतु सभी पार्षद मिलकर क्या करेंगे, एक संकल्प पारित करेंगे कि आम जनता का इस बैठक में प्रवेश ना दिया जाए। और ऐसा अगर संकल्प पारित हो जाता है तब आम जनता के जो प्रवेश है उसको बैठक में रोक दिया जाएगा। इस प्रकार से अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे स्टेटमेंट नंबर 4 और 6 गलत हैं, और जिन भी ऑप्शन में 4 और 6 आपको दिख रहा है वे सभी क्या हो गए, गलत हो गए। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्टेटमेंट नंबर सी हमारा जो कूट है 1, 3, 5, 7 ये क्या है, आपका सही है। इस प्रकार से उत्तर है सी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगर पालिका परिषद के पार्षद की पदमुक्ति के संबंध में क्या सही है, कौन सी चीज़ें पार्षद के संबंध में, पार्षद की पदमुक्ति के संबंध में सही हैं। तो पहला है, अशोभनीय आचरण कारण जनहित में कलेक्टर पार्षद को पदमुक्त कर सकता है। देखिए हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर नगर पालिका परिषद के बारे में, इसके बारे में परिषद के बारे में, कौन सी परिषद के बारे में, पालिका की परिषद के बारे में, ठीक, नगर पालिका परिषद के। यहाँ पर जो पार्षदों को हटाने का अधिकार है वो किसके पास है, कलेक्टर के पास है, जिसके पास है। नगर पालिका और नगर पंचायत के मामले में पार्षद को हटाने का अधिकार कलेक्टर के पास है और नगर निगम के मामले में यह अधिकार संभागीय आयुक्त को है। तो अशोभनीय आचरण कारण जनहित में क्या है, कलेक्टर पार्षद को हटा सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट है, अशोभनीय आचरण कारण जनहित में आयुक्त पार्षद को पदमुक्त कर सकता है। तो नहीं, आयुक्त जो है पदमुक्त नहीं कर सकता, ये कौन करेगा, कलेक्टर करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी गलत है। अशोभनीय आचरण कारण परिषद किसी पार्षद को 2/3 बहुमत से पदमुक्त कर सकती है। तो जी देखिए,
अगर एक परिषद है और परिषद में 2/3 पार्षदों को ऐसा लगता है कि जो एक पार्षद है वह अशोभनीय कार्य कर रहा है, उनके बीच उसे नहीं होना चाहिए, तो वे उसे पद से हटा सकते हैं। तो निश्चित रूप से उसे हटाने के लिए 2/3 पार्षद अगर सहमत होते हैं तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। मतलब कलेक्टर भी हटा सकता है और 2/3 पार्षद भी उसे उसके पद से हटा सकते हैं। कलेक्टर और पार्षद दोनों ही क्या कर सकते हैं, किसी पार्षद को हटाने का अधिकार रखते हैं। अगला है अशोभनीय आचरण कारण, 3/4 पार्षद उसे हटा सकते हैं। तो 3/4 यानी 75% जरूरत नहीं पड़ती है, 66% के साथ ही हमारा काम हो जाएगा, तो हमें 75% की जरूरत नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें 2/3 पार्षद की संख्या के माध्यम से हुए किसी अन्य पार्षद को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अगला स्टेटमेंट है हमारा, पार्षद अपने हटाए जाने के विरुद्ध संचालक नगरी प्रशासन के समक्ष अपील करेगा। तो देखिए, पार्षद जो हटाए जाने के खिलाफ है वो किसके समक्ष जा सकता है, पार्षद को किसी कलेक्टर ने हटा दिया हो या पार्षदों के ग्रुप ने, 2/3 पार्षदों ने मिलकर क्या किया हो, किसी पार्षद को हटाया हो, तो वो अपना बात किसके पास रखेगा, वो रखेगा राज्य सरकार के पास। वे अपनी बात रखने जाएगा राज्य सरकार के पास, वह अपनी बात रखेगा राज्य सरकार के पास। कितने दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार के समक्ष वह अपनी बात रखेगा। वह साहब पंचायत संचालक के पास नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा, राज्य सरकार के पास जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर सही स्टेटमेंट देखें तो आपको सही स्टेटमेंट मिलेगा स्टेटमेंट नंबर 1, 3 और 5, उसके हिसाब से आप कूट का मिलान कर लेंगे और सही उत्तर का चयन करेंगे। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष या अध्यक्ष को पदमुक्त करने के विषय में सही क्या है। देखिए, पहले अगर ये प्रश्न पूछा जाता तो यहाँ पर सिर्फ उपाध्यक्ष शब्द यूज़ किया जाता। अब हम जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को दोनों को ही हटाने के लिए एक ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पहले अध्यक्ष को राइट टू रिकॉल के प्रोसेस के माध्यम से हटाया जाता था, लेकिन अब अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने के कारण जिस प्रकार से उपाध्यक्ष को हटाया जाता था पहले, उसी प्रकार से अब अध्यक्ष को भी हटाया जाएगा। तो याद रखिएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को ही चुने जाने और हटाए जाने के कारण एक ही तरीके के होंगे, प्रक्रिया भी उसी प्रकार की होगी। तो हमने जो संशोधन हुआ है वहाँ लिखा है कि जहाँ जहाँ पर उपाध्यक्ष शब्द लिखा गया था वहाँ साथ में क्या लिख दिया जाएगा, अध्यक्ष भी लिख दिया जाएगा। क्योंकि पहले जो है उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से पार्षदों में कोई पार्षद अपने में से एक पार्षद को चुनते थे, अब अध्यक्ष भी उसी प्रणाली से चुना जा रहा है, इसलिए जो प्रक्रिया होगी वह समान होगी, इसलिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को ही हटाए जाने की प्रक्रिया समान है। तो हम देखते हैं कौन कौन सी प्रक्रिया है। तो स्टेटमेंट अगर हम देखें और उसके आधार पर आप कूट को एक बार मिला लीजिए, तो हम अब स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 है हमारा, जब परिषद 1/3 निर्वाचित पार्षद हस्ताक्षरित अपेक्षा करे तो परिषद की बैठक बुलाई जा सकती है। तो जी नहीं, 1/3 पार्षदों की जरूरत नहीं पड़ती, 1/6 पार्षद अगर ऐसी अपेक्षा करते हैं तो क्या कर सकते हैं, बैठक बुलाई जा सकती है ना। कलेक्टर के पास ये क्या करेंगे, 1/6 पार्षद लिखित रूप से ऐसा देंगे कि हमें क्या करना है, एक विशेष बैठक बुलाना है जिसमें हमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी है। तो ऐसे 1/6 पार्षद, मतलब टोटल जो भी सदस्य संख्या है ना, नगर पालिका की जो भी पूरी सदस्य संख्या है उसमें से, मान लीजिए हमने कहा कि 36 सदस्य संख्या है, ठीक है, तो उन 36 में से अगर 6 ने कहा कि हमें क्या करना है, हटाना है अपने अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को, तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकता है, कलेक्टर बैठक बुला सकता है। ठीक, तो स्टेटमेंट नंबर 1 आपकी गलत हो गई, इस आधार पर आपका स्टेटमेंट नंबर 2 क्या हो गया, सही हो गया। थर्ड स्टेटमेंट कहता है, ऐसी बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर या प्रथम श्रेणी अधिकारी करेगा। जी, कलेक्टर और प्रथम श्रेणी का अधिकारी ही ऐसी बैठक की अध्यक्षता करता है। ऐसी बैठक की अध्यक्षता परिषद का अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ ही क्या आ रहा है, अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। तो जब अध्यक्ष के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है तो ऐसी बैठक की जो अध्यक्षता है अध्यक्ष नहीं कर सकता, वह बैठक में शामिल हो सकता है, अपनी बात रख सकता है, बट ऐसी बैठक की अध्यक्षता वह नहीं कर सकता। ठीक है, सामान्य रूप से जो बैठक होती उसमें अध्यक्ष निश्चित रूप से अध्यक्षता करता, परंतु यहाँ पर वह ऐसा नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। अब देखिए, प्रस्ताव परिषद के मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 निर्वाचित सदस्यों और कुल निर्वाचित पार्षदों के आधे से अधिक से पास होना चाहिए। तो देखिए, ये बात सही है कि हमेशा जो दो कंडीशंस होती हैं हटाए जाने के संबंध में, अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने में दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि 1/2 का जो आंकड़ा है वह पूरा होना ही चाहिए, और दूसरा है कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 आंकड़ा क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो जैसे हमने कहा कि 36 सदस्य हैं किसी नगर पालिका में, ठीक, तो अगर 36 पार्षद प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हैं, देखिए
पूरे प्रोसेस में आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर किसी को चुने जाने के संबंध में और किसी को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाए जाने के संबंध में जो प्रत्यक्ष रूप से पार्षद निर्वाचित होते हैं वही इस प्रक्रिया का भाग बनते हैं। जो अप्रत्यक्ष प्रणाली से जैसे कहें कि लोकसभा सांसद विधायक जो नगर पालिका की संरचना में शामिल है वह उसे हटाए जाने की प्रक्रिया में कहीं से भी शामिल नहीं होंगे, यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षदों के माध्यम से ही किया जाएगा, चाहे इन दोनों ही कंडीशंस को हमें पूर्ण करने के संबंध में हो। तो पहला देखते हैं 36 लोग हैं, 36 का 1/2 अगर आप देखें तो आपको कितना मिलेगा 18, मतलब 19 लोग तो हमको क्या कीजिए चाहिए ही चाहिए कि किसी अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाना है तो 50% का आंकड़ा होना ही चाहिए। अब हम कहें कि अगर बैठक में उपस्थित कितने लोग हुए हैं, बैठक में जो भी उपस्थित होगा हम ये कहें कि अगर 36 के 36 उपस्थित हो गए तो हम क्या कहेंगे उनका कितना चाहिए हमको 2/3 चाहिए हमें, ठीक है। तो हमें कितना चाहिए 24 से अधिक यानी कि 25 लोग हमें क्या चाहिए चाहिए जो किसी अध्यक्ष को हटाने हैं हटाने के लिए। अगर इससे कम हो जाए 19 से कम तब पर भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं हटेगा, और अगर सभी उपस्थित हैं तो 2/3 भले ही वो 22 लोग क्यों ना हो जाए अगर इस कंडीशन में 22 लोग भी उसके खिलाफ वोट देते हैं उसके खिलाफ मतदान करते हैं तो 19 का आंकड़ा तो पार हो जाएगा, पर यह भी क्या हो जाएगा इस 25 से कम है तो ऐसी कंडीशन में ये पास नहीं होगा और वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद पर बना रह जाएगा। तो दोनों ही कंडीशंस क्या होनी चाहिए पूर्ण होनी चाहिए, पहली कंडीशन बोलती है कि 1/2 का आंकड़ा पूर्ण होना चाहिए और दूसरी कंडीशन बोलती है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 संख्या पूर्ण होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। प्रस्ताव परिषद के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, 2/3 बहुमत से नहीं 1/2 बहुमत उपस्थित सदस्यों का 2/3 होना चाहिए। प्रस्ताव केवल परिषद के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, नहीं, अध्यक्ष को जब हटाना है तो अध्यक्ष के माध्यम से कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, तो स्टेटमेंट हमारी गलत है। अगली स्टेटमेंट है प्रस्ताव केवल निर्वाचित पार्षद द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, तो जी प्रस्ताव जो है केवल निर्वाचित जो पार्षद हैं प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हैं उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो अब आप देखें तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2, हमारा स्टेटमेंट नंबर 3, 5 और 8 ये सही है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है क्या होता है सही होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत कोई उम्मीदवार किन आधारों पर भ्रष्ट आचरण का दोषी माना जा सकता है। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो राष्ट्रीय ध्वज या प्रतीकों का इस्तेमाल अपनी चुनावी रैली में करता है। देखिए चुनावी रैलियों में आप अपना प्रचार कीजिए, आप किसी भी प्रणाली को अपनाते हुए अपना प्रचार कर सकते हैं, परंतु इसमें राष्ट्रीय प्रतीकों का राष्ट्रीय चिन्हों का आप उपयोग नहीं करेंगे, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये क्या किया जाएगा भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत शामिल होता है, अर्थात किसी भी चुनावी प्रक्रिया में आपको राष्ट्रीय प्रतीकों का उपयोग नहीं करना है। सेकंड है किसी अन्य उम्मीदवार के चरित्र या आचरण के संबंध में असत्य बात कहने पर, तो आप ये असत्य बात भी नहीं कहेंगे, ठीक है, आपको क्या किया जा सकता है भ्रष्ट आचरण का दोषी माना जा सकता है यदि आप किसी दूसरे उम्मीदवार के बारे में गलत बातें कहते हैं, तो ये भी चुनाव प्रकार में आपको नहीं करना है। मतदान केंद्र तक मतदाताओं को ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना, अब ज़्यादातर लोग इस पर टिक लगा देंगे कि ये तो भ्रष्टाचार के आचरण में नहीं आता, क्योंकि हम आम लोग तो देखते ही हैं कि जब भी चुनाव होता है तो गाड़ी लेने आती है मतदान केंद्र पहुँचाने के लिए, तो जी ये जो प्रक्रिया होती है वो भी एक गलत प्रक्रिया है और इसे भी भ्रष्ट आचरण माना जा सकता है। हुआ कुछ ऐसा है कि जो ये भ्रष्टाचार के नियम बनाए गए हैं निर्वाचन अधिनियम में उनमें ये कहा गया है कि एक उम्मीदवार यदि खर्च सीमा अधिक करता है या भ्रष्ट आचरण कोई करता है तो उसे क्या किया जा सकता है उसे पद से हटाया जा सकता है, परंतु ये एक स्टेटमेंट जोड़ दी गई है कि अगर उसे पता नहीं है और उसके नाम से कोई दूसरा ऐसा कर रहा है तो क्या किया जाएगा उसे उसके पद से नहीं हटाया जाएगा। तो इन सभी कंडीशंस में जहां पर भी खर्च सीमा के संबंध में बात आती है या फिर गाड़ी से लाने ले जाने की बात आती है वहां पर जो उम्मीदवार होता है वह यह कहता है कि मुझे इसके संबंध में जानकारी ही नहीं थी, मेरे चाहने वाले लोगों ने जो चाहते हैं कि मैं उम्मीदवार रहूं और जीतूं वे लोग ऐसा कर रहे हैं और मुझे इसकी जानकारी नहीं है, इस कारण यह व्यवस्था चल पाती है। लेकिन अगर नियम से देखा जाए तो मतदान केंद्र तक मतदाताओं को पहुँचाने के लिए जो गाड़ी और वाहन का उपयोग किया सकता है जाता है वह भी गलत है, वह भी भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत शामिल होता है। ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं तो दोषी नहीं माना जाएगा, हमने क्वेश्चन पूछा है, तो इन तीनों ही कंडीशन में क्या हुआ होगा वह दोषी माना जाएगा, इसलिए इसका उत्तर होगा डी, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कितनी नगर पंचायत नगर पालिका तथा नगर निगम है, इसके संबंध में बहुत से छात्रों को कन्फ्यूजन था कि कितने नगर पालिका हैं कितने नगर पंचायत हैं। तो आप देखिए छत्तीसगढ़ में नगर पंचायत अगर हम कहें है ना नगर पंचायत, तो नवीन जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके बाद हमारे पास 109 नगर पंचायत है। हमारे पास नगर पालिका के संबंध में बात करें अगर हम
तो हमारे पास 43 नगर पालिका है और नगर निगम कहें, अगर हम नगर निगम कहें तो रेसाली नया नगर निगम बन चुका है, वो राजपत्र में अधिसूचित हो चुका है, इसलिए अब क्या हो जाएगा 14 नगर निगम हो चुके हैं अब हमारे। तो इस तरीके से नगर पंचायत आप देखें तो 109, नगर पालिका हमारी 43 और नगर निगम हमारे 14 देखने को मिलते हैं। ठीक है, आज हमने कुछ कम क्वेश्चन देखे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ बड़े क्वेश्चंस को डील किया हुआ है। अगले वीडियो में हम ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ छोटे प्रश्नों को उठाएंगे, जो छोटे महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।